गड्डी सांवला कलोई विधानसभा की सीट को उसकी टिकट को 10 करोड़ में बेचा जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए हमारी बात, गरीब कार्यकर्ताओं की बात सुनिए आप। हाईकमान आपके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, संगठन के हर काम का हमने आदेश माना और आपने हमारे साथ क्या किया। मीनाक्षी नांदल हूँ और बोहरगांव में रहती हूँ और बीजेपी की 12 साल पुरानी कार्यकर्ता हूँ। जब कलोई हलके में बीजेपी का कोई जनाधार नहीं था, उस टाइम से हम पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और समर्पित कार्यकर्ता हैं। हमने मंडल में काम किया, हमने जिले में काम किया और आज मैं किसान मोर्चा की प्रदेश की और राष्ट्र की टीम में काम कर रही हूँ। हमने बूथों पर इनकी लड़ाई लड़ी, हमने सदस्यता प्रमुख इनके लिए बनाए, हमने इनके पन्ना प्रमुख बनाए। जो जो संगठन ने, पार्टी ने हमें जो आदेश दिए उस पर हम खरे उतरे। आप ये देखिए कि मतदान करने में महिलाओं का बराबर का हक होता है, तो मेरी संगठन से एक ही मांग है, भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व से मेरी एक ही मांग है कि आप लोगों के माध्यम से मैं देश के प्रधानमंत्री तक अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहती हूं कि जिस महिला ने इतने साल संघर्ष किया उस महिला को क्या मिला। दुख होता है हमें कि जमीनी लेवल के कार्यकर्ता जब अपनी मेहनत से काम करते हैं और आज उनकी सीट को, गड्डी सांवला कलोई विधानसभा की सीट को, उसकी टिकट को 10 करोड़ में बेचा जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से, देश के प्रधानमंत्री जी, आप सुनिए हमारी बात, गरीब कार्यकर्ताओं की बात सुनिए आप। हाईकमान आपके हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि जिन कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत करके पार्टी को इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, संगठन के हर काम का हमने आदेश माना और आपने हमारे साथ क्या किया। कितनी आपने, आप 33% महिलाओं की टिकट में भागीदारी की बात करते हैं, कितने टिकट दिए आपने? आधे टिकट भी महिलाओं को नहीं दिए हैं। क्या हमारी बहनें विधायक बन के अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती? कर रही है, और इसका प्रूफ है कि उन महिलाओं को दोबारा से टिकट दिया गया जो पहले से महिलाएं हैं, जो विधायक है अपने हलके में और अपने क्षेत्र का विकास भी कर रही है पार्टी द्वारा काम करवा के। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं कि जब मैं मंडल अध्यक्ष होती थी तो हमारे को फॉर्म दिया गया था कि 100 सक्रिय सदस्य बनाए। हमने पार्टी का काम निष्ठावान किया और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी, ईमानदार मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर और बकायदा उनसे मिलकर अपने क्षेत्र का काम कराने की, जनता के, गरीब जनता के काम कराने की मैंने काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने महिलाओं की आवाज को उठाया है, मैंने काम किया है अपने क्षेत्र में और आज दुख होता है कि हमारी पार्टी, हमारा संगठन जब हमें ध्यान नहीं देता, कहाँ जाए हम। देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं के राजनीति में सक्रिय होने की, उनके भागीदारी की बात करते हैं और जब हमारी जैसी युवा महिलाएं समाज सेवा के माध्यम से राजनीति में सक्रिय होती हैं तो हमें क्या मिलता है। जब टिकट वितरण की बात आती है तो हमें पीछे धकेल दिया जाता है, क्यों, किस लिए। आज महिलाएं चांद पे पहुंच रही है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे है, तो राजनीति में आप लोग हमें पीछे क्यों धकेल देते हैं, किस लिए। क्या महिलाओं का हक नहीं है राजनीति में? जब महिलाएं बच्चे पाल सकती है, जब महिलाएं अपना घर चला सकती है, तो महिलाएं क्या क्षेत्र का विधायक बन के अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर सकती। दुख होता है हमें कि हम उस पार्टी के जनसंघ के सेवक हैं, हम उस पार्टी के जनाधार के लिए बात करते हैं, आप 75% की बात करते हैं। आपका जनाधार है हरियाणा में मुख्यमंत्री जी, जब जनाधार है तो आपने टिकट वितरण में महिलाओं की अनदेखी क्यों करी, 33 का आधा ही दे देते। गुहार लगाना चाहती हूँ मैं आपके माध्यम से, हाथ जोड़ के विनती करती हूँ
कि महिलाओं को अगर आप राजनीति में सक्रिय करना चाहते हैं तो टिकट में भी उनको बराबर की भागीदारी दी है। सतीश नांदड़ जी जो गड्डी सांपला कलोई विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने जब भाजपा ज्वाइन करी तो आप सबको भी पता है कि उनके शब्द क्या थे। उनके शब्द थे कि मेरे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी थे, अभय चौटाला जी रहेंगे। रहेंगे का क्या मतलब है? क्या वो हमारे जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सिद्धांतों पे खरे उतरेंगे? क्या वह हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी के सिद्धांतों पे खरे उतरेंगे? उनको नहीं पता। क्या किया उन्होंने पार्टी के लिए, कितना काम किया उन्होंने संगठन के लिए। आज वो पैसे के दम पे टिकट को खरीद के लाते हैं। गलत है ये। संगठन के गरीब कार्यकर्ताओं की, संगठन के जिन्होंने अपने बूथों पे काम किया, लड़ाई लड़ी है बूथों पे, उनकी अनदेखी है। और इस अनदेखी का खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि मैंने अपने क्षेत्र में इतने काम किए हैं कि मैंने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया है, महिलाओं की भागीदारी मैंने राजनीति में बढ़ाई है। जब ऐसी महिलाएं कुछ सोच के राजनीति में आती है तो उनके साथ क्या होता है, उनकी अनदेखी होती है, गलत कर दिया जाता है उनके साथ। हमें तो ये भी नहीं पता कि हम बायोडाटा देते हैं, हमारा संगठन में, हमारा पैनल में नाम जाता है या नहीं जाता। हमें तो ये भी नहीं पता किससे मिले, किसके आगे गुहार लगाएं। प्रदेश अध्यक्ष से मिलते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष जी हमें देख के इंतजार करवाते हैं। संगठन मंत्री से मिलते हैं तो वो अपनी गाड़ियों में बैठ के निकल जाते हैं। कहाँ जाएगा सामान्य कार्यकर्ता? आप 75 पार की बात करते हैं, 75 पार का जब आपका जनादेश है तो आप किसी भी कार्यकर्ता को उठा के आप विधायक बना सकते हो। और वो कार्यकर्ताओं की मेहनत थी जो 10 की 10 लोकसभा की सीटें भाजपा की जोड़ी में गई। जब कार्यकर्ताओं का दिन आते हैं तो आप कार्यकर्ताओं को अनदेखी करते हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको पता है 1957 की जब लड़ाई लड़ी थी तो महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तलवार उठाई थी उन्होंने। मैं तलवार तो नहीं उठा सकती, मैं रानी लक्ष्मीबाई तो नहीं बढ़ सकती, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं। आपको पता है मैं अपने लोकतंत्र में अपनी आवाज के माध्यम से मैं अपनी बात को देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। दुख होता है हमें कि जब हमारी अनदेखी करी जाती है। पुराने कार्यकर्ता आपकी तरफ उम्मीद की निगाहों से देख रहे थे, लेकिन आपने उनके साथ क्या किया, अनदेखी कर दी उनकी। दुख होता है हमें कि हमने अपने बच्चों को छोड़ छोड़ के हमने संगठन के लिए मेहनत करी, हमने पार्टी का हर आदेश माना, और आज हमारे साथ क्या हुआ। गड्डी सांपला कलोयल हल्के की टिकट भारतीय जनता पार्टी की मीनाक्षी नांदल कहती है कि डंके की चोट पे 10 करोड़ में बेची गई है, और इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। हाय मत लो कार्यकर्ताओं की। बहुत काम किया है हमने इतना काम किया है कि आपने जो जो कहा हमने वो किया, हमने पार्टी का हर आदेश माना। आज हम कार्यकर्ता है, हमें दुख होता है। महिलाओं के भागीदारी की आप बात करते हैं, कहाँ खड़ा करते हैं आप महिलाओं को। मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि मेरी आवाज को देश के प्रधानमंत्री तक पहुंचाए, हाई कमान तक पहुंचाए। दुख होता है आज हमें, हमने हर समय दिया है। मैं जिस आप एक बात बताइए, सतीश नांदल जी जिस समाज से बिलोंग करते हैं, क्या मैं उस समाज की बहू नहीं हूं? क्या मैं उस गांव में नहीं रहती? तो हक तो मेरा बनता था पहले, उनको कहां से टिकट दे दिया गया? समर्पित कार्यकर्ता हूं मुख्यमंत्री जी। आपने हरियाणा में मेरिट के आधार पे नौकरियां दी है, आपने मेरिट के आधार पे गड्डी सांपला कलोई की टिकट क्यों नहीं दी? आपने सीएम से इस बारे में बात की थी क्या? कोई सीएम साहब से मिलते हैं, हम मिले, सीएम साहब जानते हैं कि हमारे कार्यकर्ता कौन है। क्या सीएम साहब को नहीं पता था कि ऐसी ऐसी सीटों पे आप सर्वे करवाते, आप मेरिट के आधार पे टिकट देते? हम गुहार लेके जाए, कहां जाए, किससे मिले?
हमें तो ये तक नहीं पता हम प्रदेश अध्यक्ष से मिले, हम संगठन मंत्री से मिले या हम प्रभारी से मिले। इतना साल काम करने के बावजूद हमें जानता है संगठन कि हमने काम कर रखा है, फिर हमारी अनदेखी क्यों कर दी जाती है? क्यों पैसों में टिकटों को बेचा जाता है?